राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत पर अपना दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आनंद जी राठौर व जमील खान ने दी जीत की बधाई। प्रयागराज शंकरगढ़ देश के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कुल वोट 60% से अधिक मत हासिल करके जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है। भारत की निर्वाचित राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगी और उनकी जीत पर प्रबंधक आनंद जी राठौर व पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद जमील खान सहित कई अपना दल एस के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई प्रेषित की व मिठाई वितरण आतिशबाजी कर उत्सव मनाया। इस अवसर पर स्थानीय प्रबंधक आनंद जी राठौर व पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद जमील खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से देश के जनजाति वर्ग का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया। आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। अपना दल एस 12 विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू पटेल ने कहा कि भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया है। ये देश के गौरव का विषय है कि पहली बार भाजपा ने अंतिम छोर में बैठे हैं उनको देश के सर्वोच्च पद में बैठाया गया। देश के लिए गौरव की बात है। डायरेक्टर सदगुरु हॉस्पिटल डॉक्टर प्रताप सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज देश में उत्सव जैसा माहौल है। भाजपा ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रबंधक आनंद जी राठौर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद जमील खान, अपना दल एस 12 विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू पटेल, डायरेक्टर सदगुरु अस्पताल डॉक्टर प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, संतोष भाई आदि कई लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज ब्यूरो चीफ दिलबर हबीब की खास रिपोर्ट।